हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। सो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे थे। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो रेसिप्रोकल निकाल लो। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या है? -16/7 हो जाएगा या 16/-7, एक ही बात है। माइनस अगर न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है। सो अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 6/13 इंटू -16/7। तो करो मल्टीप्लाई। नाइन्टी सिक्स अपॉन नाइन्टी वन, दिस इज आंसर। 6/13 तो बहुत ज्यादा, बस हमें क्या करना था, 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो पहले हमने क्या करा, रेसिप्रोकल निकाल दिया इसका और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है रेसिप्रोकल में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो आप लोग पहले की वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और अगर तब भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।